शेखपुरा प्रखंड विकास पदाधिकारी ने शिक्षकों के साथ जाति आधारित गणना को लेकर बैठक की। बिहार जाति आधारित गणना 2023 के द्वितीय चरण की तैयारी व महत्वपूर्ण बिंदुओं पर शेखपुरा प्रखंड विकास पदाधिकारी राजीव रंजन ने शिक्षकों के साथ बैठक की। वहीं प्रखंड विकास पदाधिकारी राजीव रंजन की उपस्थिति में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम किया गया। उनके द्वारा बताया गया कि इस महत्वपूर्ण कार्य को करने में कोई चूक ना हो जाए, इसलिए सहयोग के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी के स्तर पर एक कोषांग का भी गठन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि समीक्षा के क्रम में जाति आधारित गणना के सफल आयोजन के लिए प्रगणक व प्रवेक्षकों पोर्टल पर प्रथम चरण में संकलित किए गए आंकड़ों की प्रविष्टि और उसका अनुमोदन करने, द्वितीय चरण के लिए प्रखंड स्तरीय प्रशिक्षण प्रभावी आयोजन किए गए हैं, द्वितीय चरण के कार्य की दैनिक समीक्षा करने को कहा गया। संतोष कुमार रंजना, स्टेट हेड की खास रिपोर्ट। अभी सभी प्रगणक एवं प्रवेक्षकों की बिहार जाति आधारित गणना का जो द्वितीय चरण का गणना किया जाना है उसके संबंध में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सभी लोग फील्ड में जाएंगे तो उन्हें एक जो प्रपत्र दिया गया है उसमें 17 तरह का क्वेश्चन होगा, सभी बिंदुओं पे है, जो कि प्रगणक एवं प्रवेक्षक के साथ चर्चा की जा रही है ताकि वो फील्ड में किसी प्रकार का उन्हें दिक्कत नहीं हो और सफलतापूर्वक है जो कि जाति गणना का कार्य सम्पन्न किया जा सके। एक दिवसीय प्रशिक्षण? हाँ, यह प्रशिक्षण एक दिन का है। इसमें कितने स्टाफ हैं सर? अभी प्रतिदिन जो है 40 से 50 के बैच में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है, सरकार का है, जाति आधारित गणना में 17 तरह का कॉलम है, आय से संबंधित है, उनका आवासीय स्थिति क्या है, भूमि का स्थिति क्या है, इस तरीके से 17 क्वेश्चन आयर है। उन सभी बिंदुओं पे है जो कि क्वेश्चनों का इकट्ठा किया जाएगा और सरकार विकास से संबंधित अपनी गतिविधियां तय करेगी, उसके आधार पे योजनाएं बनाएगी।